देव की जय। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु महाराज की जय। सभी करके बोला मना लीजिएगा। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। नवकार जपने से सारे प्रभु नाम जपने सारे सुख मिलते हैं। प्रभु नाम जपने से सारे सुख मिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते जीवन में। तन मन के सब दुख मिटते हैं। जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं। मन उपमन में खुशियों के फूल खिलते हैं। हो नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं। जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं। प्रभु नाम जपने से सारे सुख मिलते हैं। प्रभु नाम जपने से सारे सुख मिलते हैं। जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं। जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं। प्रभु नाम जपने से सारे दुख मिटते हैं। प्रभु नाम जपने से सारे दुख मिटते हैं। प्रभु नाम जपने से सारे सुख मिलते हैं। श्रद्धेय गुरुचरण उपस्थित महानुभाव मातर हैं। कवि ने अपनी इन चार पंक्तियों में जीवन का बहुत बड़ा राज खोल दिया। कवि ने इन चार पंक्तियों में जीवन जीने का राज बता दिया। तो कवि बड़ी सुंदर बात कहता है कि जिंदगी में हम लोग देखते हैं, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं, कभी हमारी जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं कभी हमारी जिंदगी में न जाने कैसे कैसे दिन आते हैं। हमारी जिंदगी में कैसे कैसे समय का दौर आता है। जब हमारी जिंदगी के अच्छे दिन होते हैं
तो हमें वह कब लगते हैं? और जब हमारी जिंदगी में विपत्ति की घड़ियां आती हैं, तो थोड़ा समय भी हमको बहुत लगता है। तो कवि बड़ी सुंदर बात कहता है, एक बार गिरकर मैंने संभलना सीखा। याद रखना, एक बार गिरकर मैंने संभलना सीखा, एक बार फिसल कर मैंने चलना सीखा। ये सब बातें हमारी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है कि एक बार गिरकर मैंने संभलना सीखा, एक बार फिसल कर मैंने चलना सीखा, एक बार धोखा खाकर मैंने परखना सीखा। जब तक किसी के साथ में हमारा धोखा हो जाता है, तभी पता लगता है कि ये व्यक्ति कैसा है, इस व्यक्ति के मन में क्या था, ये व्यक्ति मेरे लिए मेरे बारे में क्या सोच रहा था। जब हमारी जिंदगी में कभी ऐसा समय आ जाता है, तब हमें मालूम पड़ता है कि विपत्ति में कौन हमारा साथी है, कौन हमारा अपना है और कौन हमारा गैर है। अपने पराए की पहचान उस समय हो जाती है। इस तरह जमाने से ही मैंने श्री पवन जी जमाने से लड़ना सीखा। आप कहते थे ना कि जिंदगी में संघर्ष बहुत है, देव ही परिवार का ये जमाना ये दुनिया को बहुत कुछ सिखा देती है। यदि कोई सीखने वाला हो, यदि कोई सीखने वाला हो तो बहुत कुछ सिखा देती है। यदि इतनी लायकात इतनी योग्यता हमारे में नहीं होगी तो हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत से कम उदार व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं कि जो धोखा खा करके भी सामने वाले को क्षमा कर देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में याद रखना कि दुनिया हमें बहुत कुछ सिखा देती है। और हमारे महापुरुष कहते थे कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो अपने आप समझ जाते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपने आप समझ जाते हैं, और कुछ दुनिया में ऐसे इंसान होते हैं जो ठोकर खाकर के समझते हैं। जो दूसरों को बताने पर समझ जाते हैं, और कुछ इंसान ऐसे होते हैं न तो उनमें स्वयं की बुद्धि होती है, न स्वयं समझते हैं, न दूसरों के समझाने से समझते हैं, फिर तो ठोकर खा करके ही इंसान समझता है। किसी के समझाने से जब न समझे
देखने से न समझ पाए तो फिर तो व्यक्ति ठोकर खाकर यही समझता है। और जो इंसान ठोकर खाकर के समझता है ना, वो अनुभव जिंदगी में फिर भूलता नहीं है, वो अनुभव फिर जिंदगी में भूलता नहीं है। तो एक बार एक छोटे बच्चे ने अपने बड़े पापा से पूछा, कि दादाजी जिंदगी का मूल्य कितना होता है। जीवन का मूल्य कितना होता है। तो दादाजी ने उसे हीरा दे दिया, दादाजी ने उसे हीरा दे दिया। और हीरा देने के बाद उससे कहते हैं कि इसे लेकर के आप बाजार में जाओ, इसे लेकर के आप बाजार में जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना इसे बेचना नहीं है, इसे बेचना नहीं है। इस हीरे का कितना मूल्य है, इस हीरे का कितना दाम है, बस यही आप पता करके आ जाना, लेकिन बेचना नहीं है। इसके साथ बेचोगे तो मुश्किल हो जाएगी, बेचना नहीं है, केवल इसका जो मूल्य है दाम है ये पता करके आना। बेटा हीरे को लेकर सबसे पहले फल वाले की दुकान पर गया, उसको हीरा दिखाया, कहता कि मैं इसे बेचना चाहता हूं, मैं इसे बेचना चाहता हूं, क्या आप इसे खरीदोगे और इसके बदले में मुझे क्या दोगे। फल वाले ने कहा कि तू 10-15 सेब ले जा, उसने कहा ठीक, सौदा नहीं बटा। उसे ये मालूम करना था, बेचना तो था ही नहीं। फिर आगे चलने के बाद सब्जी वाले के पास में गया, सब्जी वाले के पास में जाकर के बोला कि भाई ये हीरा है, मैं इसे बेचना चाहता हूं, इसके बदले में आप मुझे क्या दोगे। उसने कहा 1-2 बोरी आलू ले जाना। बेचना तो था ही, उसका तो दाम पता करना था। इसी प्रकार से और किसी के पास में गया, पहले व्यक्ति के पास में गया, उसने कहा कि 10-15 सेब ले जा, उसने कहा, दूसरे के पास में गया तब उसने कहा कि 1-2 बोरी आलू भी ले जा, और किसी बार वह व्यक्ति सोने चांदी वाले के पास में गया,
सोने चांदी वाले के पास में जाने के पास में वह कहता है कि मैं इस हीरे को बेचना चाहता हूं, इसका क्या दाम आप लगाओगे? उसने कहा भाई साहब इस हीरे का जो दाम है, इस हीरे का जो मूल्य है 1-2 लाख रुपए है, इससे ज्यादा नहीं। उसने कहा ठीक, अपन भी तो ऐसे करते हैं, यदि कोई प्रॉपर्टी बेचनी हो सोचते कि इतनी सी खरीदी थी कम से कम इतना तो मिलना चाहिए। बाजार का रेट कितना है, और यदि मालूम पड़ जाए कि इसको जरूरत है फिर तो दाम बढ़ाते चले जाते हैं। ये हम सभी जगह देखते हैं, दाम बढ़ाते चले जाते, दाम बढ़ाते चले जाते। यदि उसके पास में इतना पैसा होता है तो खरीद लेता है, नहीं तो पीछे हट जाता है। फिर उसके बाद में वह व्यक्ति हीरे को लेकर के चोरी के पास में गया। और चोरी के पास में जाकर तो उसने कहा कि भाई साहब ये मैं इसे बेचना चाहता हूं, इसका क्या मूल्य होगा, इसका क्या मूल्य होगा? उसने पहले तो जोहरी की अदाएं होती है, उसने सबसे पहले नीचे लाल कपड़ा बिछाया, टेबल लैंप जलाया, हीरे को लाल कपड़े के ऊपर रखा, लाइट जला करके गौर से देखता है, सोचता है, विचार करता है और कहता है कि भाई साहब ये आप जो हीरा मेरे पास में लेके आए हो ना, ये हीरे का कोई भी दाम नहीं है, ये हीरा अमूल्य है, ये हीरा अनमोल है, इसकी कोई भी कीमत नहीं है। मेरे पास में जितनी संपत्ति है यदि मैं सारा भी बेच दूं तब भी इसका दाम नहीं चुका सकता। ये हीरा ऐसा है, वहां से वह वापस अपने घर आ जाता है और घर आ जाने के बाद दादाजी से कहता है कि दादाजी ये हीरा तो अनमोल है, मैं कितने स्थानों पर गया लेकिन किसी ने भी इसका मूल्यांकन सही नहीं किया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन जब मैं जोहरी के पास में गया, और वैसे भी सोचने वाली बात है, सब्जी वाले का दिमाग इतना ही तो होगा, फल वाले का दिमाग इतना ही तो होगा, जिसने जिंदगी में ऐसा काम ही ना किया हो वह भला हीरे को कैसे परख सकता है। इसलिए दादाजी को आने के बाद जब वह कहता है कि दादाजी ये तो हीरा अनमोल है, अमूल्य है, इस शहर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो इसका दाम चुका सके,
उसने कहा कि भले आदमी, जो सवाल तूने मेरे से पूछा था, ये जीवन ये जिंदगी तो उससे भी ज्यादा अनमोल है। इस जिंदगी का कोई भी मूल्यांकन नहीं कर सकता। जैसे यह हीरा सर्वश्रेष्ठ है, अनमोल है, उसी प्रकार से दादाजी उसको कहते हैं, समझाते हुए कहते हैं, इसी प्रकार से यह तुम्हारा जीवन भी अनमोल है। इसका कोई भी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। यदि हम इसी बात को सन्मुख रखकर के सोचे विचारे, स्वयं के बारे में सोचे, स्वयं के बारे में कल्पना करें कि मोक्ष को तो छोड़ो, मोक्ष को तो छोड़ो, हमारा जो जीवन है, हमारी जो जिंदगी है, चार गतियों में तो जाती है, पांचवी गति तो हमें बड़ी मुश्किल से मिलती है। जब हमारे सारे कर्म क्षय हो जाएंगे तभी तो हमें मोक्ष मिलेगा। उसके पहले तो हम लोग चार गतियों में घूमते रहते हैं। कभी हम नर्क में जाते हैं, कभी हम स्वर्ग में जाते हैं, और कभी हम त्रियंत गति में चले जाते हैं, कभी हम त्रियंत गति में चले जाते हैं, कभी हम पशु बन जाते हैं। हमारा जीवन और हमारी जिंदगी ऐसे ही भटकती रहती है। अपनी परंपरा को और इतिहास से उठा करके देखें, कभी जीव कहीं चले जाता है, कभी जीव कहीं चले जाते हैं, कभी जीव कहीं चले जाता है। और यह जो हमें मनुष्य भव मिला है, इसमें आप जहां चाहो वहां जा सकते हो, इसमें आप जहां चाहो वहां जा सकते हो। ये सब किसी के हाथ की बात नहीं है, यह सब हमारे ही हाथ की बात है। हम ही करने वाले हैं और हम ही भोगने वाले हैं। हम ही करना है और हम ही भोगना है। हम ही विधाता हैं, अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। कोई दूसरा लिखने वाला नहीं है। आप अपना भाग्य लिखते हो, हम अपना भाग्य लिखते हैं। आप अपना भाग्य लिखते हो, हम अपना भाग्य लिखते हैं। कहां लिखा जा रहा है, कौन लिख रहा है, ये सब बातें अदृश्य हैं। जैसे कवि कहते हैं कि कागज पे लिखा हुआ ना तो पढ़ा जा सकता है, कागज पर लिखा हुआ हो तो पढ़ा जा सकता है, और यदि कागज पे न लिखा हो, वो कागज भी तो नजर नहीं आता, लिखा हुआ क्या नजर आएगा। तो लिखने वाले भी हम हैं, कर्ता भी हम हैं, तो भोक्ता भी हम हैं, और कोई भी नहीं है। तो कहते हैं श्री गोविंद जी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है,
जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है ना, सीधी सी बात है, अपने आप को गरीब मत समझना। सीधी सी बात है श्री गुलशन जी, अपने आप को गरीब मत समझना, हमेशा अमीर समझना। अपने आप को गरीब मत समझना, अपने आप को अमीर समझना, रईस समझना। तो कवि बड़ी सुंदर बात कहता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दिन प्रतिदिन, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दिन प्रतिदिन, इंसान रईस बनता जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, आदमी रईस हो जाएगा, गरीब नहीं रहता। तो कवि बड़ी सुंदर बात कहते हैं, चांदी बालों में, दांतों में सोना, चांदी बालों में सोना दांतों में। अब दांत में जिसके सोना रहा वो गरीब होगा ना, वो तो रईस ही होगा। पधारो, जिसके बाल सफेद हो जाए चांदी बालों में, सोना दांतों में, और फिर उसके बाद मोती आंखों में। मेरे भी है, निकलवा दिया मैंने। मोती आंखों में, शक्कर खून में। कितने सारे पीने हैं हमारे पास, और उसके बाद महंगे पत्थर किडनी में पाए जाते हैं। इतनी चीजें हमारे पास में हो, हमारे शरीर में हो, हमारी देह में हो, फिर पवन जी आप ही बताओ गरीब है। कितनी सारी चीजें तो हमारे पास, फिर भी हम लोग उसे निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, फिर भी हम लोग उसे निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। कहने का अभिप्राय मतलब यही है कि परमात्मा ने हमको बहुत कुछ दिया है, ये जिंदगी हमारी अनमोल है। यही बात जानिए, यही बात समझिए कि यदि हम लोग इंसान न होते, किस गति में होते, हम इतना भी नहीं कर पाते। और महापुरुषों ने बड़ी सुंदर बात कही है कि फिर भी इंसान को प्रशिक्षित करने के लिए इतने सारे साधन हैं, इंसान फिर भी मुस्कुरा सकता है, पशु तो मुस्कुरा भी नहीं सकते। तो बात मैं कह रहा था, कर रहा था कि संखेश्वर उपासना की तीर्थ भूमि के ऊपर एक बात शायद आप लोगों ने शायद गौर की होगी कि कोई भी साधना करनी हो ना, कोई भी साधना करनी हो तो तीर्थ भूमि के ऊपर की जाए तो बहुत जल्दी फलवती होती है। तीर्थ भूमि के ऊपर यदि कोई साधना की जाए तो बहुत अच्छी तरह से फलवती होती है। यहां नहीं हो सकती, वहां हो सकती है, क्योंकि एक तो वहां की जो परमाणु होते हैं कितने वर्षों से होते हैं,
मंदिर है, प्रतिमा का प्रभाव है, आने जाने वाले जो भक्त लोग हैं न जाने किस किस भावना से आते हैं। जो मंदिर का जो पवित्र स्थल होता है, स्थान होता है, सचमुच में बड़ा ही ऊर्जावान होता है। वहां बैठ करके कुछ भी किया जाए तो बहुत कुछ मिल जाता है। तो हमारी उपन्यास प्रवर श्री बद्रंकर विजय जी महाराज को नमस्कार महामंत्र के ऊपर विश्वास अनन्य श्रद्धा थी। अटूट विश्वास था। उनके विश्वास को कोई डगमगा नहीं सकता था। और एक बार उनके सानिध्य में तीन दिन का शिविर लगा। जो भी भक्तजन उनके संपर्क में थे, जो भी जानते थे या जो भी नमस्कार महामंत्र की आराधना करते थे, जो वहां पहुंच सकते थे सभी के सभी वहां पहुंच गए। तीन दिनों तक वहां पर केवल नमस्कार महामंत्र के बारे में ही चर्चाएं होती रही, सेमिनार होते रहे, प्रवचन होते रहे। व्यक्तियों ने अपने अपने अनुभव कहे। लेकिन तीसरे दिन जब शिविर समाप्त होने वाला था, ये बात मैं आप लोगों को इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि कुछ क्रियाएं हमारी बाह्य होती हैं और कुछ क्रियाएं हमारी आंतरिक होती हैं। कुछ क्रियाएं हमारी बाह्य होती हैं और कुछ क्रियाएं हमारी आंतरिक होती हैं। बाह्य क्रियाएं कौन सी हो गई? ये जो आप बैठे हुए, ये सब बाह्य क्रिया है। कोई समाई लेके बैठा है, कोई जाप कर रहा है, किसी के हाथ में माला है, कोई अपना आसन स्थिर करके बैठा हुआ है। सबसे पहली बात यदि की जाती है तो बड़ी सुंदर बात हमारे महापुरुष कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जैसे आपने किसी व्यक्ति को धनुष बाण चलाते हुए देखा होगा, धनुष तो उसके हाथ में रहता है लेकिन निशाना किससे साधता है? वो बाण से साधता है। निशाना किससे साधता है? वो बाण से साधता है। लक्ष्य अपना किससे साधता है? वो बाण से साधता है। कि मुझे किसको भेदना है, मैं किसको मारना चाहता हूं, मेरा निशाना क्या है? इसी प्रकार से महापुरुष कहते हैं कि ये जो शरीर है ना, ये हमारा एक प्रकार का धनुष है। धनुष तो स्थिर रहेगा लेकिन
मन से लक्ष्य साधते हैं, हम लोग मन से लक्ष्य साधते हैं। धनुष जो हमारा ये बाह्य क्रिया हो गई, और जो बाण और जो हमारा लक्ष्य है वो क्या हो गया, हमारा मन हो गया। मन से हम लोग लक्ष्य की साधना करते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा ध्येय क्या है, आप समय करते हो हमारा लक्ष्य क्या है, हम माला जप करते हैं हमारा लक्ष्य क्या है, हम भगवान की पूजा करते हैं भगवान का दर्शन करते हैं, ये हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य एक ही कि जिस परमात्मा के हम लोग दर्शन कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं, हमारी भी जिंदगी का एक दिन ऐसा आए कि हम लोग भी जन्म और मरण से मुक्त हो जाए, यही तो उद्देश्य होता है। क्यों माता जी, यही तो हमारी इच्छा होती है। और यही हमारा लक्ष्य होता है। तो 3 दिनों तक खूब नमस्कार मंत्र का हर व्यक्ति ने अपना अपना अनुभव शेयर किया। किसी ने जो पोथी में पढ़ा था वह बताया, किसी ने पोथी में पढ़ा था वो बताया, और किसी ने अपनी जिंदगी में अनुभव किया वो बताया। दो ही तो बातें होती है। कबीर जी कहते ना, तू कहता मैं कहता आखन देखती, तूने तो जो जिंदगी में पढ़ा है वह कह रहा है लेकिन अनुभव तो नहीं किया ना तूने, अनुभव तो नहीं किया ना तूने। तो कोई अनुभव की बात कहता है, लेकिन तीसरे दिन उन्हीं व्यक्तियों में से जब वह शिविर समाप्त होने वाला था, रात्रि का समय परिपूर्ण हुआ, सब तो चले गए लेकिन एक व्यक्ति बैठा रहा, एक व्यक्ति बैठा रहा। अब व्यवस्थापक जो लोग थे उन्होंने भी सोचा कि ये क्यों बैठा हुआ है, सब तो चले गए ये क्यों नहीं जा रहा। तो फिर व्यवस्थापक महोदय उस व्यक्ति के पास में पहुंचे और पहुंचने के बाद उसको पूछते हैं कि भाई आप क्यों बैठे हुए हो, क्या आपको जाना नहीं, क्या आपको घर नहीं जाना है, आपको सोना नहीं है, रात्रि का समय हो रहा है। क्या अभी भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके दिल में क्या है। जैसे ही व्यवस्थापक महोदय ने उस व्यक्ति को ये बात पूछी कही, उसने कहा कि अब जिंदगी में मेरे से पूछने वाली कोई बात ही नहीं रही, अब तुम्हारे से क्या पूछना, तुम्हारे से क्या समझना। 3 दिनों तक मैंने आपकी एक एक बात सुनी है, समझी है, लेकिन सब बेकार, सब निरर्थक, इन बातों में कोई भी तथ्य नहीं है, सब जीव कुछ भी नहीं। अरे 3 दिन तक आप इतना भाषण करते रहे लेकिन
तक के युग में नवघात मंत्र का कोई भी प्रभाव नहीं है। यदि कोई प्रभाव होता, यदि कोई असर होता तो 36 वर्षों तक मैंने कोई कम साधना नहीं की है। मुझे 1% भी न मन में शांति है न बुद्धि में शांति है इसका कोई भी प्रभाव नहीं है। जब मुझे इसका असर प्रभाव दिखाई नहीं देता है तो बताइए आप कैसे कह रहे हो, कैसे बातें कर रहे हो आप लोग। इसलिए सब बातें बंद करो, कलयुग में इसका कोई भी असर नहीं है। बेचारा व्यवस्थापक महोदय उसकी बातें सुनकर के चकित रह गया, स्तंभित रह गया। वह कहता है कि भैया मैं तो व्यवस्थापक व्यक्ति हूं, व्यवस्था करने वाला व्यक्ति हूं, मुझे इन सब बातों की जानकारी नहीं है, मैं इन सब बातों को नहीं समझता हूं। यदि आप कुछ पूछना भी चाहते हैं तो अभी कोई यहां से गया थोड़ी ना है। अभी तो यहां पर महाराज श्री भी हैं और हमारे श्री किरण भाई साहब भी हैं। आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, कुछ भी समझना हो, आप हमारे किरण भाई के पास में चले जाओ, ये सब बातें आप उनसे पूछो, वही आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन मैं तो एक व्यवस्थापक हूं, मैं इन सब बातों को नहीं जानता, मैं इन सब बातों को नहीं समझता। और वह व्यक्ति, वह व्यवस्थापक उसको किसके पास में लेकर के जाता है? किरण भाई साहब जी के पास में लेकर के जाता है। ये बात अधूरी है। मेरी बात सुनकर के आप ऐसा मत करने बैठना, ये बात अधूरी है। और ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि कुछ विधियां हमारी आंतरिक होती हैं और कुछ क्रियाएं हमारी बाह्य होती हैं। और जब हमारा आंतरिक क्रिया और बाह्य क्रिया दोनों इकट्ठी हो जाती तब बहुत कुछ हम हासिल कर पाते हैं। हम बाहर से क्रियाएं करते हैं और कह देते हैं कि हमको शांति नहीं मिली, लेकिन जब तक हमारा उन क्रियाओं के साथ में मन नहीं उड़ जाता। अब जैसे 2 दिन पहले ही महाराज श्री जी बता रहे थे कि मंदिर तो सूत्र का अर्थ आपको बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। तो जब अर्थ हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, मालूम होता है, तब हमारा कुछ और ही बात हो जाती है। तो इसलिए वो भाई किसके पास में गए? किरण भाई साहब जी के पास में गया। तो एक बार क्या हुआ कि चिंटू अपने घर में बैठा हुआ था, शांति से बैठा हुआ था, दरवाजा बंद था, बाहर से आकर के किसी व्यक्ति ने दरवाजे के ऊपर नोक किया,
अंदर से चिंटू कहता है, पूछता है कि कौन? एक बार दो बार दस्तक दी, फिर अंदर से आवाज आती कि कौन? बाहर से आवाज आती है, हम पुलिस वाले हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हम पुलिस वाले हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। चिंटू घबरा गया और घबराने के बाद अंदर से ही पूछता है कि आप कितने व्यक्ति हो, आप कितने व्यक्ति हो? उसने कहा कि हम तीन हैं। तो चिंटू अंदर से कहता है, भाई साहब आप आपस में बात कर लो ना। आप आपस में बात कर लो ना, तो मैं तो आपसे कल बात करूंगा, आप आपस में बात करते रहिएगा। प्रभु नाम जपने से, प्रभु नाम जपने से सारे सुख मिलते हैं। प्रभु नाम जपने से सारे, सभी पे बोलिएगा, नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं। जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं। नाम जपने से सारे सुख मिलते हैं। प्रभु नाम जपने से सारे सुख मिलते हैं। मन उपमन में खुशियों के सब फूल खिलते हैं। ओ प्रभु नाम जपने से सारे सुख मिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं। जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं। प्रभु नाम जपने से सारे सुख मिलते हैं। प्रभु नाम जपने से सारे सुख मिलते हैं। बचपन लेने वाले भाई बहन कृपया हाथ जोड़िएगा। आज से पहला श्रीमती लक्ष्मी रामपुरिया का है, पहचान ले रहे हैं। उपवास इनके भी हो, फिर से भी हाथ जोड़े पहचान ले। उपवास सरोगी अवतरित हम कचराई थी भी हम बिहार हम पसन्द खाई हूँ थे हमने आदमी आज सारे साले हूँ पचन्द गाली नों दिशा मोहे नों सौ हुए नों उत्तर गाली नों सौ से मिलते गाली नों पानहार कोर्सी साठ कोर्सी उन समझ गए तो हम नों सारे साले नों सागरी गाली नों आउट नों पसारे नों दुर्बल ठाणी नों पांच मिनट ने बिनो अच्छी ने वा बहु ने बिनो मस्त सी ने सी ने वो सी आप मिल वाले मिल जाए आज का आदमी है, कल का भी आदमी आदमी वाले एक आज सभी के स्वयं के एकाश में है। एकाश का पक्षकान सचिव ने आज जोड़े एकाश वाले की आज जोड़े पक्षकान ले उपस्थित लोकाशी कोसी साठ परसेंट से मिलकर जोड़े बिहार में असलम पालन खाई में रखना मनुष्य असाले में पुत्र ने गाली में निशान मोहिनी ने दूसरा फिर मंत्र गाली में चौसठ में तेरे लिए
एक आश्रम के लाभार्थी है श्रीमान इंद्रचंद जी 23 कंवर बहन सावन सुखा अबोहर वालों का, तो अबोहर से हमारे श्रीमान मानवचंद जी पधार चुके हैं, तो ऐसे कुल परिवार की ओर बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह से वे वहां पर है लेकिन कहीं पर भी लाभ लिया जा सकता है, ऐसी मंगलमय भावना के साथ उन्होंने आज एकाष्टक का लाभ लिया है, उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। संघ की ओर से उनका बहुमान श्रीमान गिलाकम जी सुशील जी बैद परिवार की ओर से हैं। श्रीमान गिलाकम जी सुशील जी बैद परिवार की ओर से आज की प्रभावना है। श्रीमान एक और प्रभावना है श्रीमान मोहनलाल जी पावती ओलसा परिवार की ओर से भी प्रभावना है। श्रीमान मानसी जी साहब से एक अनुरोध है और वे बना रहे श्रीमान टेकचंद जी साहब रामा से अनुरोध है कि बहुमान करने के लिए आप बना रहे उपसर्गाच्छयम्यान्ति चिदन्ते विघ्नवल्लयं मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सा शासनम्।